मित्रों, आज मैं कृष्ण कमल, अभी तक आपने तालाबों में कमल देखे होंगे और ब्रह्म कमल भी देखा होगा। आज मैं आपको कृष्ण कमल के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों की 100 कौरवों से और उनकी सेना से उनकी रक्षा की थी। पांचों पांडव, जिनकी एक सम्मिलित पत्नी थी द्रौपदी, उनके कारण ही ये महाभारत हुआ था। तो ये जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस फूल के बारे में देखिए, ये जो आपको पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, ये गिनती की 100 हैं। तो ये 100 और पीछे जो बाहर की तरफ है उसकी पूरी फौज है कौरवों की। तो 100 ये हैं 100 पुत्र जो थे धृतराष्ट्र के, वो कौरव कहलाए। चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। अच्छा, और ये देखिए, ये 5 पांडव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों पांडव हैं। और इसमें देखिए, ये जो गुलाबी दिखाई दे रही है, ये है द्रौपदी के 5 पांडव सम्मिलित पति थे। और देखिए, ये जो तीन पंखुड़ियां हैं ऊपर, ये ब्रह्म के शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति को लेकर भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों की सहायता के लिए ये बीच में खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में। तो अब मैं आपको कृष्ण पुष्प की और जानकारी देता हूं। इसको पैशन फ्लावर प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका पैसी फ्लोरा फोर्टिडा बॉटेनिकल नाम है। इसमें बहुत खुशबू आती है और ये दिन में ही खिलता है, जैसे कि दूसरे कमल तालाबों में खिलते हैं और ब्रह्म कमल रात्रि के 9 बजे से 1 बजे के बीच में खिलता है। ये कृष्ण कमल दिन में खिलता है और बहुत खुशबू देता है। ये इसकी पहचान है। मैंने बॉटनिकल नाम, इंग्लिश नाम और हिंदी नाम जो संस्कृत में है, कृष्ण पुष्प का यह है। तो इसकी ये देखें, ये पत्तियां इस तरह से होती हैं और ये एक क्रीपर है। क्रीपर मतलब बेल से चलने वाले हैं। और अभी आज 30 दिसंबर 2019 है, नई साल आने वाली है, तो आपके स्वागत के लिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये हमारे सोसाइटी में है और मैंने इसको 1-1.5 साल पहले लगाया था, अब ये पुष्पित अवस्था में है। तो एक बार और देख लें, ये है कृष्ण कमल पैशन फ्लावर, पैसी फ्लावर फ्लोरा फोर्टिडा इसका बॉटेनिकल नाम है। नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।